नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस YouTube चैनल पे। साथियों, आज हम देखने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की एक धमाकेदार स्कीम के बारे में, जिसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। दोस्तों, अच्छा रिटर्न मतलब FD से 2 से 2.5 गुना रिटर्न आप आराम से ले सकते हो। साथियों, बैंक ऑफ बड़ौदा का भारत का सबसे बड़ा बैंक है, नेशनलाइज बैंक में से, और पूरे वर्ल्ड में यानी कि सब कंट्री में फैला हुआ है। इंडिया के सब स्टेट में बैंक ऑफ बड़ौदा फैला हुआ है और बहुत सारे कस्टमरों के उसके अंदर अकाउंट है, यानी कि एक ट्रस्टेबल बैंक है, बड़ा बैंक है, इसलिए हम आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं कैसे आप हर महीने 2500-2500 रुपये लगाओगे तो आराम से आपके 40 लाख रुपए तक आराम से आप बना सकते हो। साथियों, आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे यारो, और यारो वीडियो को लाइक कर दो। सबसे पहले साथियों, बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा का एक म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड यानी रिस्क, आप में जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप रिस्क लीजिए। आपकी सैलरी है उसका 5% 10% इन्वेस्टमेंट कीजिए, ज़्यादा मत कीजिए। 25-30-50 हज़ार सैलरी है, 2500 से स्टार्ट कीजिए, ज़्यादा रिस्क मत लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक रिस्की है, क्योंकि शेयर मार्केट में पैसा जाता है। अभी साथियों, बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा का ये फंड का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा BNB परिभाष मल्टी कैप फंड, यानी कि एक मल्टी कैप फंड है। इसके अंदर हम रिटर्न की बात करें तो इसने एक साल के अंदर 19.23% रिटर्न निकाल के दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और आगे हम बात करें तीन साल का इसका रिटर्न है 28.03, यानी कि 28% रिटर्न निकाल के दिया है। साथियों, 5 साल की बात करें तो इसने 15.08% रिटर्न निकाल के दिया है, और ऑल टाइम मतलब ये फंड आया जब से इसने रिटर्न निकाल के दिया है 15.31, यानी कि काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दे रहा है स्कीम के अंदर। अभी साथियों, हम आगे बात करें तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कितना करना है। SIP आप मिनिमम 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो, और लमसम यानी कि एक बार पैसा लगा दिया फिर भूल जाने का वो आपको करना है तो 5000 रुपये से कर सकते हो। अभी साथियों, हम आगे बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो क्या है। एक्सपेंस रेशियो मतलब क्या, म्यूचुअल फंड आपके पास पैसा लेता है और वो इन्वेस्टमेंट करता है, वो फ्री में थोड़ी करेगा, आपके पास चार्ज लेगा। वो चार्ज है 1.12, यानी कि 1% के आजू बाजू है, जो कि नॉर्मल है, सभी कंपनियों में इतना रहता है। और एग्जिट लोड मतलब आपको बीच में से फंड बंद कर देना है, भाई मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे दे दो पैसा वापस, तो उसका एग्जिट लोड है 1% पेनल्टी लगा के आप एग्जिट हो सकते हो। अभी साथियों, आगे बात करें इसका फंड साइज यानी कि इसमें कितने लोगों ने पैसा लगाया है। टोटल 1800 करोड़ रुपया ये स्कीम के अंदर लगा है, यानी कि काफ़ी अच्छा और बड़ा फंड है जिसके अंदर हम आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथियों, इसकी होल्डिंग्स की बात करें तो इसका होल्डिंग मतलब क्या, हमारे पास तो पैसा ले जाता है फंड, लेकिन डालता कहाँ पे? यहाँ पे आप देख सकते हो ICICI बैंक लिमिटेड में इसने 4.5% डाला है, HDFC बैंक में 4.25% है, रिलायंस इंडस्ट्री में इसने 4.25% तक डाला है, फिर JB केमिकल में इसने 3.5% डाला है, फिर आगे बात करें तो टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज में इसने 3.5% डाला है, फिर द इंडिया होटल कंपनी में इसने 2.5% तक डाला है, फिर रेमबो चिल्ड्रन मेडिकेयर लिमिटेड में इसमें 2.5% डाला है, फिर CIE ऑटोमोटिव इंडिया में 2.25% है, और इंडस्ट्रीड बैंक में 2.25% है, यानी कि काफ़ी अच्छी कंपनी है। आधी कंपनी जो है बड़ी है और आधी मिड कैप है, इसलिए मल्टी कैप है, इसलिए रिस्क डाइवर्सिफाई होता है। अभी देखते हैं कितना लगाओगे तो कितना मिलेगा आपको। अभी साथियों, हम आगे बात करें तो इसके अंदर आप 2500 रुपये लगाते हो तो इसका 40 लाख कब बनेगा और कैसे बनेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं 2500 रुपये आपने लगाए 10 साल के लिए तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 3 लाख, और उसके सामने टोटल रिटर्न मिलेगा 6,97,000, यानी कि अप्रोक्स 7 लाख। दोस्तों, 10 साल में आपको यहाँ पे 7 लाख रुपया मिल रहा है। अभी हम आगे बात करें तो 2500 रुपया अगर आप 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो टोटल आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 4.5 लाख रुपया, और उसके सामने आपको मिलेगा 16,92,000, यानी कि अप्रोक्स 17 लाख रुपया आप आराम से 15 साल में बना सकते हो। अभी दोस्तों, हम आगे बात करें 2500 रुपया अगर आप 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपकी जेब से जाएगा 6 लाख रुपये, और आपको सामने रिटर्न मिलेगा 37,90,000, यानी कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। 20 साल में आप आराम से हर महीने 2500 लगा के 37-38 लाख तक आराम से ले सकते हो। अभी होता है कंपाउंडिंग पावर स्टार्ट। अभी देखिए, 2500 रुपया अगर आपने लगाया कितने 25 साल तक, खाली 5 साल बढ़ जाता है और आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है 7.5 लाख। आपने 7.5 लाख इन्वेस्टमेंट कर दिए और उसके सामने रिटर्न मिलेगा 82 लाख, यानी कि 82 लाख रुपया आपको मिल रहा है। अभी और बढ़ाते हैं और 30 साल तक अगर हम चलाते हैं 2500 रुपया, तो टोटल आपका रिटर्न हो जाएगा 2500 रुपया,
मिला के 9 लाख रुपया और टोटल हो जाएगा 1,75,00,000। दोस्तों आज आपने इन्वेस्टमेंट चालू कर लिया, अगर 15% रिटर्न कंटिन्यू रहता है, इससे बढ़ भी सकता है, तो आपको आराम से 1,75,00,000 मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छी स्कीम है, बैंक ऑफ बड़ौदा आज ही विजिट कीजिए, ऑनलाइन भी आप ले सकते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट पर से। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।